शिमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देखिए, आप हमारे साथ रिश्ता जोड़े या ना जोड़े, लेकिन मैं आप जैसे शरीफ लोगों को धोखा नहीं दे सकता। वैसे मैं हूँ तो डॉक्टर, लेकिन दो नंबर का धंधा भी करता हूँ, और मेरा भांजा जो है वो तो एक नंबर का छठा हुआ बदमाश है। शराब, जुआ, रेस, ड्रग, सच पूछो तो हम तो आपके खानदान के लायक नहीं है जी। क्या वो झटका लगा आपको? शराफत दिखाने के चक्कर में जोधपुरी कोट पहन रखा था ना, तो इस कोट ने मेरे गले की नली बंद कर रखी थी। और अब ये जो दो नंबर के धंधे की बात कर रहे हैं ना, हम तो डाली 3, 4, 5 पता नहीं कहां तक पहुंच चुके हैं। अजी, हमसे पुराना विलेन तो कोई है ही नहीं। क्या बात है पंडित जी, क्या बात है? अरे ये तो कुछ बात नहीं है, मेरा बाप 5-6 साल से अंदर है। वो मिनिस्टर का बेटा ना, क्या नाम है उसका? हाँ, जो भी है उसको ड्रग सप्लाई किया करते थे। हरिदयाल जी, क्या खूब पहचाना है। वाह भाई वाह यार, अरे असली बाप है। अरे माँ बोल ना। क्या बात है पंडित जी, क्या खानदान ढूंढा है। वाह, और जहाँ तक अय्याशी का मामला है ना, हमारी बेटी तो हमेशा page 3 पर ही दिखाई देती है। ये बात आजकल तो जमाना ही ऐसा हो गया है घुंघरू सी, कि आजकल किसी लड़की के 6-8 बॉयफ्रेंड ना हो तो उसे हॉट ही नहीं कंसिडर किया जाता। बात सही है, लेकिन ये हॉट दिखती नहीं है। डोंट इंसल्ट मी लाइक दिस अंकल जी, यू वांट टू सी? देखा, हॉट है कि नहीं ये? माता जी, ये पंडित को क्यों मारा आपने? क्योंकि हमें ऐसा खानदान चाहिए जिस खानदान के दूर दूर के रिश्तेदारों ने भी जेल तो क्या पुलिस स्टेशन की भी शक्ल ना देखी हो। चलो यहाँ से। अजीब बैकवर्ड लोग हैं ये। देखिए, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, इज्जत है। इतना रुतबा ही शर्म है कि किसी भी घर में अगर रिश्ता बनाना चाहूं तो कोई ना नहीं कह सकता। बस एक अच्छा खानदान चाहिए, एक शरीफ ने एक लड़का चाहिए। लेकिन पंडित जी, कुछ खुलकर हमें आपके बिजनेस के बारे में नहीं बता सके। आपने बिजनेस के बारे में नहीं बताया? क्या बताता? संजना एयरवेज। हाँ हाँ, संजना एयरलाइंस। संजना टेक्सटाइल्स। हाँ, संजना टेक्सटाइल्स। काफी फैला हुआ बिजनेस है, बहुत एस्टैब्लिश है। अभी तो सभी कारोबार फोन पर ही चलता है। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रहा है सर, एक नहीं दो दो, सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। ये पार्टी भी नहीं। सर, बहुत बड़ी खुशखबरी है सर, आपके तो एक फोन ने काम कर दिया सर। वो जो धनसुख ज्वेलर का मर्डर केस पर चल रहा था ना सर, वो खत्म हो गया सर। गवाह भी जान गया सर कि अगर उसने आपके खिलाफ गवाही दी तो आप उसके पूरे खानदान को हटा डालेंगे। और बिल्डर ने भी पुलिस कंप्लेंट वापस ले ली है, सेटलमेंट करना चाहता है सर। सर, 2 करोड़ रुपए तो दे दिए हैं, बाकी के 3 करोड़ कल कोर्ट में देने वाला है सर। जब से बुटीक खोला है एक बार भी हिसाब नहीं दिया तुमने। मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ बस। जाओ, मैं जब भी हिसाब किताब की बात करता हूँ तुम्हें ब्यूटी पार्लर की याद आती है। उड़ाओ मेरा पैसा। हेलो। और गंगरू सेठ, कैसा चल रहा है धंधा पानी? धंधा फर्स्ट क्लास चल रहा है, टकाटक चल रहा है, और नोटों की तो बारिश हो रही है, बारिश। और हम पर थोड़े छींटे नहीं गिराओगे? 4 खोखे जल्दी से ढीले करो। अरे भाई, ये बुटीक है, यहाँ पे लेडीज ड्रेस मिलते हैं, खोखे बोखे नहीं मिलते। अबे बिना भेजे की खोबड़ी, खोखे का मतलब करोड़ करोड़। अच्छा अच्छा अच्छा, करोड़, और वो भी 4। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी, जला डालूंगा अभी। जानता ना तू किससे बात कर रहा है? मजनू भाई, मजनू भाई, नाम सुना है ना मेरा? हाँ सुना है ना, तूने तो अभी 2 बार बताया, मजनू भाई बोल रहा हूँ, मजनू भाई। तो मैं क्या करूँ रे? अबे ओ शाने, पागल हो गया क्या तू? लगता है तेरा गेम बजाना ही पड़ेगा। अरे मैं हफ्ता मांग रहा हूँ, हफ्ता, इंग्लिश में बोले तो प्रोटेक्शन मनी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुझे प्रोटेक्शन चाहिए। एक काम कर, तू 4 खोखे लेकर, मैं तुझे प्रोटेक्शन देता हूँ, और अगर 4 जूते खाने हो तो दोबारा फोन करना। तेरे को भी मजनू से लैला नहीं बनाया ना, तो मेरा नाम भी डॉक्टर घुंघरू नहीं। चल फोन रख। यार ये तो मेरी मां है यार। ए, आज से दुकान बंद। ए चलो काम बंद करो।
ए चल निकल चल, ये क्या हो रहा है? हमारे मजनू भाई को तू लैला बनाएगा? निकाल ए घाघरा, निकाल वहां से, निकाल ए तू चुन्नी, निकाल 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 जल्दी निकाल। अब तो लग रही है बराबर लैला, काली पीली नीली। चलो ले चलो इसे। मजनू भाई, मजनू भाई गलती हो गई, मुझे लगा मेरे साथ कोई फोन पर मस्ती कर रहा है। सच अगर मुझे पता होता कि आप फोन पर है तो मैं क्या ऐसे बोलता? तो क्या बोलता? ये क्या है बे? अबे तू क्या समझता मुझे? हाँ भाई, भाई आप ठीक हैं? ये मेरी प्रॉब्लम है। ये तेरे अकेले की नहीं, बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। वैसे भी आजकल साली तुम लोगों की तादाद कुछ बढ़ती जा रही है। अबे सुन, बिना सिग्नल के मोबाइल। सुन रहा हूँ भाई, बोलिए। कल तक मुझे 5 खोके चाहिए, समझा? भाई भाई आपने फोन पे तो 4 खोके बोले थे ना। वो फोन पर बोला था, अब भाई खुद चल के आए गाड़ी में तो पेट्रोल का खर्चा क्या तेरा बाप देगा? हा? हा? 1 करोड़ का पेट्रोल भाई। ठीक है ठीक है, अच्छा है भाई ने रास्ते में नाश्ता पानी नहीं किया, नहीं तो 6 खोके हो जाते। हाँ 6 ही हो जाएगा। कल शाम के 5 बजे तक अगर तूने 5 खोका नहीं पहुंचाया तो तेरी 3 की फैमिली 6 हो जाएगी, समझा देना इसको। समझा, 3 का 6 कैसे होता? अरे 3 लोगों का फैमिली है, तीनों को बीच में से काटेंगे तो कितने होंगे? 6 होंगे ना। ओके ट्राई 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 बेबी, किस को लो, ट्राई करो, ट्राई ट्राई, ओके कोशिश करो, कोशिश करो करो, वेरी नाइस बेबी। कमाल कर दिया आप, 2 घंटे से ट्राई कर रहा था मैं, 2 मिनट में करवा दिया। बताओ देखना, जिस लड़की के साथ बिन की शादी होगी ना, बहुत खुश रहेगी वो। ये बेचारा तो कम से हाथ में बैट लिए घूम रहा है, पर कोई बॉल डालने वाला तो मिले? अरे बॉल तो हजारों डाले गए हैं, लेकिन इनके जो मामा है ना डॉक्टर घुंगरू, गजब के अंपायर, हर बॉल नो बॉल, वाइड बॉल, डेड बॉल। अरे भाई क्यों राजीव को छेड़ रहे हो? इधर आओ सब लोग, केक काटने का वक्त हो गया। चलिए चलिए, हाँ चलो चलो चलो, आइए आइए आइए, चलो आ जाओ आइए, चलिए मेरे बच्चों को भी संभाल। जी जी जी। ए नो 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 नो, बेटा देखो रॉकेट टेढ़ा है ना, इसकी नाक में घुस सकता है, किसी के घर में घुस सकता है, सीधे करके उड़ाओ से। अरे अंकल ये मेरा रॉकेट है, टेढ़ा चलाऊंगा तो सीधा जाएगा। देखो ये अगर आप सीधा इसे रखोगे तो ये सीधा ही जाएगा। ठीक है लगा देता हूँ आग। गोपी पीछे हटो बेटा। अंकल मज्जू मज्जू क्या लगा रखा है, खुद लाड़माया गया, मेरे 2 आदमी की शादी क्या करवा दी, अपने आप को मेरा बाप समझने लगा तू? अरे भाई हम दोनों की बीवियां भी भाग गई, ऐसी लड़कियों से तो शादी करवाई इसने। हाँ ऐसी उल्टी सीधी शादियां करवा के बहुत पैसे कमाए ना तूने, शाम तक तू भी 1 खोके का बंदोबस्त कर ले। और तू जी सरकारी अस्पताल की टूटी हुई बेंच, अब तू 5 नहीं 6 ला कर देगा, समझा? अभी तुम लोग अपनी गेम चालू करो। फिर गलत स्थान पे लेके आए आप हमें। मैं लाया, तू लाया, और तेरी वजह से मेरा एक बढ़ भी गया, तू लाया। मेरे ऊपर भी तो एक पड़ गया ना। सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम कर रहा है कि सलाम बेच रहा है? सलाम साहब। भाई का चौकीदार है, एक बार भाई को सलाम नहीं किया, भाई ने 6 महीने तक हर एक आदमी को देखकर सलाम ठोकने की सजा दी है इसको। सलाम साहब। अरे ये भाई का प्राइवेट जेल है, इन लोग सब सजा काट रहे। और इसका क्या हुआ? भाई की बर्थडे में फुग्गे कम लगाया, बोला फुलाने में तकलीफ होती है, नेक्स्ट बर्थडे तक फुग्गे फुलाने का काम दिया है। अरे इसका क्या होगा? अरे यार ये तो डॉक्टर है ना। भाई तो इसका अदृश्य डिस्पेंसरी खोल डालेंगे। जिसमें डॉक्टर भी यही होगा और पेशेंट भी यही होगा। हाथ में चाकू और कैंची देंगे और बोलेंगे खुद का ऑपरेशन कर। भाई साहब मैं तो भाग नहीं सका,
लेकिन आप लोगों के पास टाइम है, अभी सीधे उदय शेट्टी भाई साहब के पास पहुंच जाइए। वही एक फरिश्ता है जो आप लोगों की इस मुसीबत को दूर कर सकते हैं। फरिश्ता? उदय शेट्टी शहर के बहुत बड़े आदमी हैं, सभी उनकी इज्जत करते हैं, ये मजनू भाई भी। अच्छा, हर मुलाकात में वो एक खोखा बड़ा देता है सर, और सबसे गलत बात तो ये है सर कि उसे हफ्ता कहता है। हफ्ता? अरे तो महीनों बरसों सदियों की कमाई होती है सर। प्लीज मुझे इस गुंडे इस बदमाश से बचा लीजिए सर, मैं बहुत मुसीबत में। उठिए आप, उठिए। बोल पर बल्ली, रोना नहीं। हाँ शेट्टी साहब, आपने बुलाया? आप मजनू क्या कर रहे हो तुम? किसी को भी फोन करते हो, कुछ भी मांगते हो। घुंगरू जी मेरे जी जी मत कहिए मुझे प्लीज। अरे ऐसे कैसे, आजकल बिस्किट को भी पार्ले जी कहते हैं, आप तो डॉक्टर हैं, इतना नेक काम करते हैं। पता है मैं गरीबों का इलाज मुफ्त में करता हूँ सर, इसलिए मेरा हॉस्पिटल घाटे में जाता है। देखो ये ऐसे डॉक्टर हैं और तू है जो क्या है। शेट्टी साहब, मेरे को मालूम नहीं था कि आपके पहचान का आदमी। पहचान के दोस्त है मेरे। फिर तो ये हमारे माए बाप हुए, मिस्टेक हो गया। क्या हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा। मतलब तेरा काम हो गया तुझे। सर मैं जरा एक दो थप्पड़ मार दूं उसे, मेरा दिल कर। सर आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी बात है सर। आप फरिश्ता हैं सर, शराफत खत्म नहीं हुई इस दुनिया में। नहीं मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन ऐसे ही समझते हो तो मेरा एक काम करो। हुक्म हुक्म। मेरी एक छोटी सी बहन है, खूबसूरत है, शादी के लायक। अब समझा, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। इतना रुतबा है इस शहर में, जिस घर पर हाथ रखूं रिश्ते के लिए कोई ना नहीं कहेगा। बस एक लड़का चाहिए जो शरीफ हो, नेक हो, अच्छे खानदान का हो, जो मेरी बहन को जिंदगी भर खुश। साहब ये तो ऐसी बात हो गई कि बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। मेरा अपना भांजा है, नेक है, शरीफ है, अच्छे खानदान का है। वाह। हाँ ये बात है कि हैसियत में माँ के बराबर के नहीं है, लेकिन इज्जतदार है। पंडित जी मुहूर्त भोरत बाद में सोचेंगे, पहले इनकी मर्जी तो मैं जानूं। अरे नहीं नहीं, मेरी तो हाँ है। आपकी हाँ? हाँ मेरी तो मेरी भी हाँ है। देखिए जुबान दी है, मुकरने नहीं दूंगा। इज्जतदार आदमी हो शेट्टी साहब, एक बार जबान दी मतलब। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, इज्जत है, बस एक नेक और शरीफ लड़का चाहिए था। वो तलाश भी आज खत्म हो गई। मुझे तुम बहुत पसंद आए, तुम्हारे घर वालों को संजना पसंद है, इससे और खुशी की बात क्या हो सकती है। भाई साहब 13 तारीख को संजना का बर्थडे है, मैं ये सोच रहा था कि अगर उसी दिन एंगेजमेंट हो जाए। इतनी जल्दी कैसे तैयारियां हो जाएंगी? भाई साहब तैयारियों का क्या होता है, सिर्फ 4 कार्ड छापने होते हैं, 4 लोगों को बुलाना होता है और 2 अंगूठियां चाहिए होती हैं, बस और क्या। लगता है मुझसे ज्यादा तुम्हें जल्दी है। नहीं भाई साहब कोई तकलीफ है तो। कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। अरे नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। अब तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। मैं आज आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन खुशखबरी। तुम्हारी खुशखबरियां बाद में सुनाना, पहले इनसे मिलो, ये संजना के होने वाले मंगेतर है। नमस्ते जी। नमस्ते। जाने से पहले मुझे मिलके जाना, समझ गया ना? समझ गया। क्या हुआ भाई साहब, क्या हुआ? बड़ी अजीब सी बात है, हमारे जमाने में तो घर वाले बात करते थे, लेकिन नहीं कोई बात नहीं। भाई साहब आप जब बोलेंगे मैं अपने घर वालों को आपसे मिलाने ले आऊंगा। अभी 2 दिन के बाद मेरे नए होटल की ओपनिंग है, छोटी सी पार्टी रखी है, ले आना। जी जरूर जरूर ले आऊंगा। भाई साहब ये सब बिजनेस की वजह से। सिक्योरिटी? हाँ सिक्योरिटी। अगर आप पर कोई आफत आ गई तो ये लोग जान दे देंगे, ले भी लेंगे। क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं भाई साहब, एक आदमी नहीं है, 2 आदमी हैं, वो काफी परेशान किया उन्होंने मुझे। कौन है? है बड़े लेवल के आदमी है भाई साहब। बता दो, लेवल में लाएंगे उनको। अब रिश्ता जुड़ा है तुमसे, तुम्हारी परेशानी हमारी परेशानी है, भगवान की दया से इस शहर में हमको कोई परेशान नहीं कर सकता। बताओ कौन है? नहीं बस आपने इतना कह दिया काफी है भाई साहब, मैं खुद ही बात कर लूंगा उनसे। अच्छा बात कर लो, नहीं तो मुझसे बात कराओ, फोन पे समझा लूंगा। जी भाई।